अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जिले मीरपुर कास के शहर नौकोट के करीब विलेज लॉन्ग खान चांडियों में। यहाँ से हापड़ों का गुजर होता है और यहाँ पे जिन जिन लोगों की जमीनें हैं, जो जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, हम वहां तक पहुंच रहे हैं और उनसे सूरत हाल मालूम कर रहे हैं। 2011 में भी ऐसा हुआ था, इस वक्त भी ये सूरत हाल है कि वो पानी अपनी जगह पर ठहरा हुआ है, आगे सेवरिंग नहीं हो रहा। तो आज हम बात करेंगे लॉन्ग खान विलेज में जो हाजी जान मोहम्मद चांडियो साहब से। आप साहब का नाजम भी रह चुके हैं यूसी फजल बंगलो में, आप यहाँ के जमींदार भी हैं, यहाँ के मकामी हैं और यहाँ की सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझते हैं। हाजी जान मोहम्मद चांडियो साहब, ये बताइएगा कि ये जो हापड़ों का जो पानी क्यों रुका हुआ है, आगे क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से सेवरेज क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, बात यह है कि जो नारा डोरों से ये असल डोरों जा रहा है, इसका छोड़ है आगे जाते से होता है, जाते जाके होता है समुद्र में, और इसका जो क्रॉस है आगे, ये जो LPDO आ रहा है इसने बंद करके रखा है। जो डिज़ाइन की LPDO वालों ने पहले वो गलत की है, नौकोट वाली साइड से नारे डोरों को बंद कर दिया है और जुडे वाली साइड से पुरान को बंद कर दिया है। इनके LPDO के बीच के बीच से गुजरने की वजह से ही ये जो पीछे लोग हैं या जो ज़मीनें हैं, ये जो लोगों की तबाह हो रही हैं या घर जो तबाह हो रहे हैं, इनकी वजह से हो रहे हैं। इनको कोई क्रॉस नहीं दिया है, अगर इनको क्रॉस देते थे तो पानी ये ढोरे का निकल जाता, नारे ढोरे का, और किसी का भी नुकसान नहीं होता, ना ज़मीनों का होता, ना किसी के घर का होता। अभी जो 2020 की ये बारिश पड़ी है, इसकी वजह से तमाम लोगों का, घरों का और ज़मीनों का और फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है। सिर्फ LPDO जो क्रॉस किया है ढोरे को, ढोरे नारे ढोरों और पुरान से के बीच से गुजारा है, उनकी वजह से। गवर्नमेंट 2011 में भी ये सर्वे की थी, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको क्रॉस नहीं दिया, अभी भी क्रॉस नहीं दिया। इस वजह से सारे लोग ये इफेक्ट हुए हैं। जाके कहाँ से ये जहाँ शुरू होता है वहाँ से ही होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये नौकोट के करीब जो लोग होते हैं या जिनके घर हैं या जो शहर है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि इनका पानी का रास्ता आगे बंद है, वो गुजर नहीं होता है। LPDO जब ओवरटॉप करती है तो उसके उनमें भी घारे पड़ते हैं और कभी प्राण की तरफ पड़ जाता है, कभी नारे डोर की तरफ पड़ जाता है। अच्छा हाजी जानम साहब, चांडियो साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से या इदारों की तरफ से मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से ये रुका हुआ है, या कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि जहाँ से हापड़ों का गुजर होता है उनकी लेफ्ट राइट पे जिन लोगों की जमीनें हैं उन्होंने कब्जे कर रखे हैं और वहां पे बंद लगा रखे हैं, वो अपना पानी स्टोरेज करते हैं, बाद में मशीनों से उठा के अपनी जमीनें आबाद करते हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? इन दोनों बातों में सदाकत है, कुछ गवर्नमेंट की भी कमजोरी है। उन्होंने 2011 के बाद सर्वे किया और कुछ डोरे की सफाई भी करवाई, लेकिन ये काम नहीं किया जो उनको क्रॉस देना था। क्रॉस देने साइड से या क्रॉस देके इनको साइड से निकालना था, ढोरे को और पुरान दोनों को, और लोगों ने भी कुछ कब्जा करके रखा है। जैसे नौकोट शहर है, उसके इतराफ में जो लोग बैठे हैं वो आस्ते आस्ते कब्जा करके करते रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ढोरा तंग हो गया, लेकिन इनको दोनों मसले हल कर रहे हैं। पहले इनका क्रॉस लाजमी है, अगर नहीं होगा तो ये 5 साल 7 साल के बाद जैसे बारिशें आएंगी ये लोग जो दबाह होते रहेंगे, ज़मीनें दबाह होते रहेंगी, फसलें दबाह, लोगों की दबाह होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी जान मोहम्मद चांडियो साहब। नहीं थे हाजी जान मोहम्मद चांडियो साहब जिनसे हम बातचीत करें।